ये RGB 512 के साथ है, RGB 512 के साथ। i5 12th जनरेशन, इसके साथ ये बैग है, वाह, ओरिजिनल थिंकपैड का लेना वो 1,78,500 रुपये कीमत, और आप कितने का दे रहे हैं? 1,30,000 रुपये 1,00,000। डेल i5 10th जनरेशन पे, डेल i5 10th और इसका जनरेशन, मॉडल है 5410, बिल्कुल 1080 इंटेल आयरिस कार्ड के साथ। ये कितने का मिलेगा सर? ये सर आपको मिलेगा 90। ये आई लिनोवो का है, i5 4th जनरेशन X240 है, 4 GB 500 GB के साथ इसका रेट है सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये। बिल आएगा वो ये लेके जाएगा, 4 GB 16 GB में है और कितने इसका में रेट देंगे? है सिर्फ और सिर्फ 5,500 रुपये। 5,500 रुपये। इंटेल एटम X5Z 8th जनरेशन, ठीक है, सीपीयू 1.4 1.4, 4 GB रैम, माउस को टच होता है लेकिन इसका कीबोर्ड भी टोटल टच के साथ है, स्क्रीन भी टच। वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे तेज है ये चेक करें। और इसके साउंड अगर मैं आपको चेक करा दो, आप इसको 360 करोगे ये टच कीबोर्ड इसका बंद हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप यूज करते हो तो ये काम छोड़ देगा टैप की तरह, फिर आप इस तरह इसको यूज कर सकते हैं। 8770W वर्क स्टेशन है और इसमें i7 है 3rd जनरेशन है, 2 GB का एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड इसमें लगा हुआ है। चैलेंज ऑल पाकिस्तान कि ये वाली मॉडल आपको कोई 30,000 रुपए का दे दे तो मेरे से आप गिफ्ट ले सकते हो। ये है i5 4th जनरेशन, i5 4th जनरेशन थिंकपैड में है, ओरिजिनल चार्जर के साथ, 4 GB 500 GB के साथ सिर्फ और सिर्फ 23,000 रुपए। हसन भाई ये कोर i7 है, 4th जेन है, 4 GB 500 GB के साथ है जी। और इसके रेट है 4 GB 500 GB के साथ 28,000 रुपए। ये डबल बैटरी पीछे लगी हुई है इसकी, एक ये है एक अंदर लगा हुआ है, ये ऑन है, ये चेक कर लो बैटरी से निकला हुआ। 2014 मॉडल i7 16512 आपको सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल चार्जर के साथ आपको मिलेगा 80,000 का, जिसका बजट नहीं है मार्केट में, इसका रेट है 35,000 रुपए। 8 GB 500 GB के साथ सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए। माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस 8 GB 256 GB डिटेचेबल i5 8th जनरेशन प्रोसेक्स है, i7 27 इंच में, ठीक हो गया। इसमें 16 GB रैम है, 512 SSD लगा हुआ है, 4 GB का ग्राफिक कार्ड है, 4 GB का जी, और ये 4K रेजोल्यूशन में है। i7 10th जनरेशन 16 GB 512 के साथ 360 टच स्क्रीन के साथ, रेट सुन के आप हैरान हो जाओगे। रेट बताएं जल्दी से बाप। 1,20,000 रुपए 1,20,000 में 160 का मार्केट में सेल होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं सब खैर होंगे। आज हम आपको खिदमत में हाजिर है एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो बड़ी जबरदस्त होने जा रही है, एक दफा दोबारा हम आ चुके हैं जी इमरान भाई के पास और आपको बड़े जबरदस्त किस्म के लैपटॉप दिखाएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको काफी हाई रेंज में और काफी बजट में, मतलब काफी जो कहते हैं ना कि कोर में बड़े आपको लैपटॉप दिखाए थे। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बड़े जबरदस्त किस्म के लैपटॉप दिखाएंगे जिसमें हाई जनरेशन के है, यूं समझेंगे कोर है 3rd जनरेशन से लेकर आपको 12th 13th जनरेशन तक, इंशाल्लाह आपको लेटेस्ट मॉडल यहाँ पे मिलेंगे। जैसा कि आप ये भी आप देख सकते हैं जी, मेरे पास एक योगा बुक है मुकम्मल टच में जी, आप इसकी आवाज वगैरह भी सुन सकते हैं माउस, और यार बहुत ही आला चीज है ये भी मुकम्मल। इसका कीपैड भी टच है, स्क्रीन भी है, और मजे की बात है कि 360 में है, टैब भी बना सकते हैं और इसका कीपैड वगैरह सारा टच में है। लैपटॉप का लैपटॉप है और अगर टैब की बात की तो टैब का टैब है, दोनों इसके टच में आते हैं जी। तो आइए मिलते हैं जी इमरान भाई से, इसका एड्रेस कॉन्टेक्ट नंबर है। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले जो हमारे नए व्यूवर जो आने वाले हैं उनको अपने एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर बताएं, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करेंगे। सर हमारा एड्रेस है लाहौर बीडन रोड हार्डवेयर मार्केट गली नंबर 16 हनी प्लाजा खान लैपटॉप हाउस। ठीक, फिर हमारे दो ब्रांच और भी है हसन भाई, इसके बाद हमारा ब्रांच है पिंडी, पिंडी मरी रोड चांदनी चौक नजद अल राजी खिदमत अस्पताल ओल्ड शाहीन प्लाजा खान लैपटॉप हाउस फर्स्ट फ्लोर ऑफिस नंबर 3। फिर हमारा तीसरा ब्रांच जो है फैसलाबाद में है, फैसलाबाद क्लॉक टावर घंटाघर जंग बाजार रीगल रोड डाटा सेंटर सेकंड फ्लोर खान लैपटॉप हाउस। माशाल्लाह जी, मतलब आपकी तीन तीन ब्रांचें लाहौर में भी है, फैसलाबाद में भी है और पिंडी में भी है। पिंडी में भी है, ठीक हो गया। मेन तो ब्रांच हमारा लाहौर है, मेन ब्रांच जो लाहौर की है जिस वक्त हम जहाँ पे मौजूद है। जी सर, ठीक हो गया। हसन भाई सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये HP का मशीन है, ठीक है, 3rd जनरेशन है, ठीक हो गया। i3 का है, 4 GB और 250 GB के साथ है, बिल्कुल जबरदस्त मशीन है, 15/6 में है। इसका मॉडल है HP प्रोबुक 4530S मॉडल है, ठीक है जी, ये 4 GB 500 GB के साथ है, ये इसका रेट है 15.6 स्क्रीन में है, ठीक है ठीक है। ये बकाया सारा स्पेक्स इसका इधर लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल निकली मशीन है, फुल्ली रिपेयर की, हमारी लाइफ टाइम की वारंटी होगी, ठीक है। बकाया आपको वन मंथ चेक वारंटी मिलेगा, वन मंथ चेक वारंटी, वन मंथ आपको चेक वारंटी मिलेगा, ठीक है। अगर मुझे कोई लैपटॉप पसंद नहीं आता तो मैं वापस कर सकता हूँ, मुझे पेमेंट पूरी मिलेगी कि उसका क्या सीन है? सर पेमेंट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जापानी काम हम नहीं करते, अगर किसी को जरूरत होती है पेमेंट हम उसको रिटर्न कर देते हैं। हाँ अगर चीज में कोई मसला होता है, वो चेंज करना चाहते हैं, उससे बड़ा मॉडल लेना चाहते हैं, अगर साल भी आप यूज करते हो तो उसके बाद भी अगर आके आपको बड़ी मशीन का रिक्वायरमेंट होता है तो आपको चेंज करके दूसरी मशीन दे देंगे सर, ठीक हो गया जी जी। अच्छा इसके बाद कौन, इसकी कीमत क्या बताई आपने? इसकी कीमत है 22,000 रुपए 22,000 रुपए 15.6 HP का प्रो बुक है, ठीक है। इसके बाद कौन से दिखाएंगे?
इसके बाद ये वाली दिखाऊंगा, इसमें 1 GB का ग्राफिक कार्ड भी है, ठीक है, और इसका मॉडल है 8570। ये वर्क स्टेशन है, ठीक है, एलईडी बुक है, ये 4 GB और 500 GB के साथ है, ये i7 है। अच्छा, i7 में ये कोर i7 है, कैमरा अगर दिखा सकते हैं, कोर i7 फिंगरप्रिंट 15.6 एलईडी बुक, बिल्कुल नीट क्लीन मशीन है। सर इसकी क्या कीमत है? इसकी कीमत है सिर्फ और सिर्फ 25,000 रूपए। 25,000 रूपए, थोड़ी से ज्यादा नहीं, थोड़ी से कम ना हो जाएगा? इसमें 1 GB का ग्राफिक कार्ड भी है। अच्छा ठीक हो गया जी। और अच्छा, i7 है, ये i5 का रेट है 25,000 रूपए। मैं आपको i7 दे रहा हूँ, i5 और i7 में 3-4,000 रूपए का डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ओरिजिनल चार्जर भी दूंगा, बाकायदा 1 मंथ आपको चेक वारंटी भी दूंगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जी। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये i5 फोर्थ जनरेशन है। i5 फोर्थ जनरेशन, और i5 फोर्थ जनरेशन में है X240। ये 4 GB 500 GB के साथ आपको मिलेगा। ये आप बोल रहे रेट ज्यादा है, इस मशीन का एलईडी बुक का वैसे रेट थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। ये लिनोवो का है, i5 फोर्थ जनरेशन X240 है, 4 GB 500 GB के साथ इसका रेट है सिर्फ और सिर्फ 25,000 रूपए। 25,000 रूपए, 25,000 रूपए, बहुत अलग फोर जनरेशन का है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद यार आपके पास ये वाला जो लैपटॉप पड़े हुए हैं, ये कौन से हैं? ये क्रोमबुक है सर। ये क्रोमबुक की मुझे थोड़ी सी इनके बारे में थोड़ा सा बता दें कि आपके पास जो जो से मॉडल पड़े हुए हैं, क्योंकि काफी हमारे जो व्यूवर्स हैं क्रोमबुक भी बड़ा पसंद करते हैं। आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है उसका, ऑनलाइन काम के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए, अमेजोन के लिए क्रोमबुक, सारे कॉल सेंटर वाले सारे क्रोमबुक लेके जाते हैं, ठीक है। असन भाई, क्रोमबुक का लिमिटेड स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, जो पहले आएगा वो ये लेके जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया। और ये क्रोमबुक है G5, ठीक है, 4 GB 16 GB में है, और इसका रेट है, ये आप दिखा सकते हो, ठीक है, बिल्कुल लश कंडीशन में है, मतलब 10/10 हम कह सकते हैं, 10/10 कंडीशन में है। ये चीज चेक कर रहे हैं, 10/10 कह रहे हैं, 10/10 भी नहीं, 10/10 कंडीशन में है। ठीक हो गया जी। सर ये कितने में देंगे? सिर्फ और सिर्फ 5,500 रूपए। 5,500 रूपए, 5,500 रूपए, बहुत आला, ये बड़ा जबरदस्त रेट है। वैसे भी मैंने काफी वीडियो द्वारा बनाई, 6,500-7,500 ये रेट वगैरह मिल रहा होता है। अच्छा रोहन भाई, इसके बाद यार इसके बारे में बता रहे थे, इसको हम पहले ना थोड़ा इसके रिव्यू वगैरह करते हैं, ये आप दिखाते हैं कि हमारे व्यूअर्स ये क्या चीज है। ये है, मैं अभी इसका प्रॉपर्टी आपको चेक कराता हूँ, ठीक है। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, बहुत ही प्यारी सी मशीन आपने निकाली है, और बड़ी एंटीक किस्म की, ये जो 64 GB इसका मेमोरी है। अच्छा, बढ़ा सकते हैं? नहीं, इसका मेमोरी कार्ड आप डाल सकते हो, मेमोरी कार्ड से मतलब बढ़ा सकते हैं, मेमोरी कार्ड डाल के इंटर मेमोरी इंटरनल हो जाएगा। ये चेक कर लो, इंटेल एटम X5Z8 जनरेशन, ठीक है, सीपीयू 1.4 4 GB रैम, ठीक है। ठीक हो गया। और मतलब ये कोर i5 की जनरेशन में तकरीबन आता है मेरे ख्याल में, ये 8 जनरेशन में ये i3 के बराबर है, और इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। और दूसरी बात आपको बताओ हसन भाई, आपने बहुत लैपटॉपों का वीडियो बनाया होगा, रिव्यू लिया होगा, इसका कीबोर्ड भी टोटल टच है। ठीक हो गया। माउस को टच होता है, लेकिन इसका कीबोर्ड भी टोटल टच के साथ है, स्क्रीन भी टच। वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये चेक करें। और इसका साउंड अगर मैं आपको चेक करा तो हसन भाई आप भी हैरान हो जाएगा कि इतना चीज और इतना साउंड। ठीक हो, मतलब आवाज इसकी काफी, आवाज इसकी बहुत जबरदस्त आवाज साउंड है। ठीक हो गया जी। मतलब ये आता है कि ये 360 में भी है जी। ठीक हो गया यार, इसकी ये पेज सिस्टम जो यहाँ पे लगे हुए ना, ये यूनिक स्टाइल में बना हुआ है। ठीक है, ठीक हो गया। मतलब ये टूटने वाली चीज नहीं है, ये एल्यूमिनियम है हसन भाई, बिल्कुल जी, ये देख ये सकते हैं ना, बहुत ही पक्का काम है। जब इसको 360 करोगे असन भाई, इसका एक खूबी ये भी है कि इसको 360 करोगे ये टच कीबोर्ड इसका बंद हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप यूज करते हो तो ये काम छोड़ देगा, टैप की तरह, फिर आप इस तरह इसको यूज कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे इसका कीबोर्ड जो है टच है, बिल्कुल जी, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनके जो ना आपको छोटे छोटे से इसके नजर आ रहे हैं कीपैड वगैरह, अगर ये आप इसको खोलेंगे तो ये ऑन करोगे तो इसका बंद हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे इसका टैप की तरह यूज कर सकते हो, वापस इसको इस तरह करोगे तो ये कीबोर्ड इसका ऑन हो जाएगा। ये देखें जी, कीबोर्ड ऑन हो गया। अच्छा, इसकी क्या कीमत देंगे? इसकी कीमत है सिर्फ और सिर्फ 35,000 रूपए। 35,000 रूपए, पूरे पाकिस्तान को चैलेंज है, ये वाला मॉडल अगर किसी के पास पड़ा होगा उसको मैं इनाम भी दूंगा। अच्छा जी, इंशाल्लाह। यार मैं वैसे खुद भी बता रहा हूँ कि मैंने काफी वीडियोज बनाई है, मैं फर्स्ट टाइम ये चीज खुद भी देख रहा हूँ, और बहुत ही स्लिम है। इसको बंद कीजिएगा, मुकम्मल बंद कीजिएगा, ये देखें, बिल्कुल एक रजिस्टर से भी मैं कहता हूँ, बिल्कुल जी। और इसका लाइट वेट तकरीबन 250 ग्राम में मुश्किल 250 ग्राम होगा, ये आप चेक कर सकते। अच्छा, इसकी आपने क्या कीमत बताई है? ये 35,000 रूपए। 35,000 रूपए, जो ग्राफिक के लिहाज से लोग मशीन यूज करते हैं, ग्राफिक वाली मशीन है वैसे बहुत महंगा होता है। ठीक है, बिल्कुल। अगर आपको 2 GB ग्राफिक वाली मशीन चाहिए तो आपका 80-90,000 रूपए से कम नहीं मिलेगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये HP का मॉडल है, एलीट बुक है, और इसका मॉडल है एलीट बुक 8770W। देख करके दिखाइएगा जी, मैं आपको अपने व्यूवर्स को मॉडल के चेक करवा। ये एलीट बुक 8770W वर्क स्टेशन है, और इसमें i7 है, थर्ड जनरेशन है,
2 GB का इनविडिया का ग्राफिक कार्ड इसमें लगा हुआ है, ठीक है। इसमें आपको 15 GB मिलेगा। अच्छा, ये है 17 इंच में। ये 17 इंच में है, ठीक हो गया। 2 GB का ग्राफिक कार्ड है, 8 GB 500 GB फिंगर लॉक कैमरा सब कुछ इसमें अवेलेबल है, कंडीशन तुम्हारे सामने है। बिल्कुल, ये कंडीशन साहब मुझे बताएं कि इसकी बैटरी टाइमिंग क्या होगी। सर इसका आपको न्यू बैटरी लगा के दूंगा, इसका रेट है और बैटरी का हमारा आपको 3 मंथ का वारंटी होगा इसका। 3 मंथ का तकरीबन टाइमिंग कितनी देगा? 1 घंटे का वारंटी होगा, निकालेगी 2.5-3 घंटे, ठीक है। न्यू बैटरी के साथ, ठीक हो गया। न्यू बैटरी के साथ आपको मिलेगा। ये दिखाओ, एलीट बुक वर्क स्टेशन, ठीक हो गया। हैवी ड्यूटी मशीन है, मतलब ये कोई हैंग वोंग होने वाला सिस्टम नहीं है, होने वाली मशीन है। और इसमें डबल हार्ड लगता है और 4 रिमोट का स्लॉट है इसमें, ठीक हो गया। 4 MO की स्लॉट है। और रेट आप सुन के हैरान हो जाओगे कि किस तरह रेट पे भाई दे रहे हैं। तो रेट अब आपने बताना है ना, रेट मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपए का। 35,000 2 GB ग्राफिक कार्ड वाला, आप मार्केट से सिर्फ 2 GB ग्राफिक कार्ड लेने जाओगे तो 28,000-30,000 रुपए का सिर्फ ग्राफिक का रेट है, ठीक हो गया जी। मतलब मैं अपने 60 FPS फ्रेम रेट की जितनी भी वीडियो उसके अंदर अच्छी खासी बिल्कुल जबरदस्त क्वालिटी के साथ कर सकते हो, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये अभी आपने HP का कोई उठाया था आपके हाथ में था, चले आप लेने वो इस पे थिंक पैड पे आ जाते हैं। ये वाला कौन सा है जी? ये है i5 4th generation, i5 4th generation थिंक पैड में है। ये 4 GB और 500 GB में है, ठीक हो गया। रेट सुन के आप हैरान हो जाओगे, 14 इंच में है। इसका रेट बताएं आप जल्दी से। रेट सुन के आप हैरान हो जाओगे, ओरिजिनल चार्जर के साथ 4 GB 500 GB के साथ सिर्फ और सिर्फ 23,000 रुपए। 23,000 रुपए चैलेंज है हसन भाई। आप वो बीस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े थंबनेल में बहुत बड़ा लिख के चैलेंज ऑल पाकिस्तान कि ये वाली मॉडल आपको कोई 30,000 रुपए का दे दे तो मेरे से आप गिफ्ट ले सकते हो। बहुत आला जी, ये जी मैं जरूर मेंशन करूंगा। ये T440P मॉडल है, T440P मॉडल है। विंडो 10 इस पे इंस्टॉल्ड है, फिंगरप्रिंट है, कैमरा है, सब कुछ इस पे लगा हुआ है। ओरिजिनल चार्जर के साथ 23,000 रुपए का आपको 23,000 रुपए का मिलने जा रहा है जी। बहुत आला जी, आप सर्च कर लो, अगर आपको कोई माइक अलावा कोई इस रेट पे दे दे तो उसका मैंने आपको बता दिया कि तोहफा मेरी तरफ से एक माई का नाम, ठीक हो गया जी। बड़े जी आज इमरान भाई जी चैलेंज दे रहे हैं, इनके चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और जाके देखेंगे जी हमारे व्यूवर्स और भी इनके रेट वगैरह कैसे है। मजीद वीडियो द्वारा भी हसन भाई मैं आपको बात बता दूं, इसमें फिर मॉडल है, हाँ जी, ठीक है। ये T440P है जी। इसमें फिर T440S मॉडल है, हाँ, और T440S फिर इससे थोड़ा महंगा है। वो 4 GB 500 GB के साथ आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 28,000 रुपए का। 28,000 रुपए का, 28,000। एस मॉडल का स्लिम मॉडल है कि स्मार्ट मॉडल? मॉडल स्लिम है, वो उसमें ड्यूल बैटरी होता है। ड्यूल बैटरी उसमें होता है। ये मैं आपको दिखाऊं हसन भाई, ये कोर i7 है, 4th gen है, 4 GB 500 GB के साथ है जी, ठीक है। इसमें आपको i7 फिफ्थ जनरेशन में मिलेगा, i5 फिफ्थ जनरेशन में मिलेगा, और i5 फोर्थ जनरेशन में मिलेगा। इस क्रेडिट पे थोड़ा सा प्लस हो जाता है और कंडीशन तुम्हारे सामने है और ड्यूल बैटरी के साथ है, ठीक है, खराब पड़ा हुआ है। ड्यूल बैटरी में है, ड्यूल बैटरी में है। और ये जी आप चेक कर सकते हैं, i7 ये मॉडल है T440S थिंकपैड में। सबसे अच्छा मॉडल जो होते हैं ये थिंकपैड में T440S मॉडल होते हैं। एस मॉडल लिनोवो के बड़े ढीठ लैपटॉप में बड़े अच्छे काम करते हैं, 24 घंटे चलने वाली मशीनें होते हैं हसन भाई, ठीक हो गया जी। और इसका रेट है 4 GB 500 GB के साथ 28,000 रुपए। ये डबल बैटरी पीछे लगी हुई है इसमें, ये है, एक अंदर लगा हुआ है। अगर ये बैटरी उतार तब भी ऑन होगा? ऑन हो जाएगा। ये भी आपको चेक करवाते हैं बैटरी उतार के, फर्ज करें कि हमने एक बैटरी उतार दी है ना जी। सर उतार दिए, बिल्कुल जी। और ये अभी आपको ऑन करके दिखाते हैं, ये देखेंगे ऑन हो चुका है। और इसके अंदर जो बैटरी पड़ी हुई है वो अलग अभी चार्ज है, वो भी अच्छा खासा आपको घंटा दो घंटे टाइम देगी इंशाल्लाह, ठीक हो गया जी। ठीक है, ये ऑन है, ये चेक कर लो बैटरी से निकला हुआ, मतलब बैटरी के बिना चलने वाला लैपटॉप यूं समझ। इसमें ड्यूल बैटरी होते हैं, ड्यूल बैटरी है, एक अंदर होता है एक बाहर होता है, ठीक हो गया जी। इसकी कीमत आपने 28,000 बताई? 28,000 रुपए, 4 GB 500 GB के साथ, ठीक हो गया जी। जो मतलब इसमें आपको फिफ्थ जनरेशन भी मिलेगा, 6th generation भी मिलेगा, हर मॉडल का आपको मिलेगा, ठीक हो गया। जहां पे बिजली का ज्यादा मसला ना, उनके लिए ये लैपटॉप बेस्ट है मेरे ख्याल से। अच्छा, ये जी एप्पल का कुछ आ चुका है, एप्पल का बताते हैं अभी। मैकबुक एयर, ये मैकबुक एयर है, ठीक है, 2014 मॉडल, i7 8 GB 256 GB, ठीक है। इसमें आपको 4 128 भी मिलेगा 2014 में, 2015 भी मिलेगा, ठीक है, ठीक है। 2016, 17, 18, 19, 20 तक आपको अवेलेबल है, ठीक है, इसमें आपको मिलेगा, ठीक हो गया। पूरा रिव्यू हम नहीं करा सकते कि पूरे मॉडलों का, एप्पल में भी हम रिव्यू कराए, लिनोवो में भी हम रिव्यू कराए, चंद मॉडल जो होते हैं वो हम आपको दिखा रहे हो, ठीक है, ठीक है। ये है एप्पल का कोर i7 8 GB 256 GB 2014 मॉडल, ठीक है। तो ये सर कितने में देंगे? ये चैलेंजिंग रेट होगा हसन भाई, बाकी चैलेंजिंग होगा, चैलेंजिंग रेट होगा, ठीक है। आप फिर सर्च भी कर लो, कस्टमर को ये खुला चैलेंज है जी, जो भी आपका वीडियो चेक देखता है उसको ये चैलेंज भी है कि वो पहला OLX ये सारे अलीबाबा दराज सारा सब कुछ चेक कर ले, फिर उसके बाद खान भाई के साथ रब्ता कर ले।
ये जो रेट मैं आपको दे रहा हूँ, ये 8GB 256GB के साथ आपको मिलेगा 55,000 रुपए का। 55,000 रुपए का 2014 मॉडल में क्या रेट होगा मार्केट में? अगर 8GB 256GB के साथ आप लेते हो i7 प्रोसेसर में, तो इसका रेट है कम से कम 70-75,000 रुपए। 70 से 75,000 रुपए 2014 डिस्काउंट दे रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक हो, जितने भी बड़े मॉडलों पे आप जाओगे उस पे आपको डिफरेंस उतना ज्यादा मिलेगा। ठीक हो गया, मतलब छोटे मॉडलों पे कम है मार्जिन और ये पे मतलब आप ज्यादा इनके अंदर आप डिस्काउंट दे रहे हैं बड़े मॉडलों में। और जापानी मॉडल आ गया, ये फ्यूजी का है। ठीक हो गया, ठीक है, ये DDR4 रिम में है जी, 8GB 500GB। ठीक है, और इसका रेट मैं आपको बताऊँ, सुन के हैरान हो जाओगे। पिछले वीडियो में मैंने आपका इसका रेट बताया कितना, ये सर मेरे से जेन से निकला हुआ रेट, मैं तो कल खाना खाया हुआ था मुझे वो भूल जाता है। 27,000 रुपए रेट दिया हुआ है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको आपके खातर, कस्टमर के खातर, आपके व्यूअर के खातर सिर्फ और सिर्फ इसका रेट है सिर्फ और सिर्फ 24,000 रुपए। 24,000 रुपए, 24,000 रुपए आपने उड़ा दिया। 8GB 500GB के साथ, 8GB 500GB 500GB के साथ। अच्छा, इसके अंदर 500GB हार्ड ड्राइव है कैसे? 500GB हार्ड लगा हुआ है इसमें, ये ड्यूल ऑप्शन में है। ठीक है हसन भाई, इसमें आप SSD भी लगा सकते हो। अच्छा, ड्यूल ऑप्शन में, ड्यूल ऑप्शन है मतलब ये मैंने हार्ड ड्राइव वाला निकाल दी, इसमें 500GB लगा हुआ है। ठीक है, वो साटा ही लगा हुआ है हार्ड। ठीक है, साटा हार्ड लगा हुआ है, HDD लगा हुआ है, इसमें आप SSD भी लगा सकते हो, हार्ड भी लगा सकते हो, दोनों ऑप्शन। इसके बाद ये मैं आपको दिखाऊ 2015 मॉडल i7। अच्छा, ये 2015 मॉडल i7 में MacBook Pro 13 इंच पे है। अच्छा जी, ये जी भी आपको चेक करवाते हैं इसके स्पेक्स वगैरह। ये 8GB 256GB में है। ठीक है, यार डिस्प्ले बड़ी प्यारी इसके नजर, रेटिना डिस्प्ले में है। अच्छा जी, ठीक हो गया। इसका रेजोल्यूशन फुल हाई है, फुल हाई है रेटिना डिस्प्ले, जो 2023 है वो भी रेटिना है। ठीक हो गया, ये भी रेटिना स्क्रीन में है। ठीक हो गया, इसके स्पेक्स वगैरह चेक करवा। ये i7 8GB 256GB, i7 8GB 256GB में भी है, i7 8X 128 में भी है, i7 16 256 में भी है। ठीक हो गया जी, तो सर ये कितने में मिलने जा रहा है? ये i7 8 256 में आपको मिलेगा 70,000 रुपए। 70,000। वैसे मार्केट वैल्यूज की क्या है अगर? मार्केट वैल्यूज का रेट है सर 85 का, 80-85 इसके राउंड मॉडल आपको मिलेगा। यार मतलब अगर आप हमें इस वक्त, मुझे मेरे हिसाब से आपको तकरीबन 15,000 से 10,000 रुपए आप हमें हर लैपटॉप में, बड़े लैपटॉपों में इंशाल्लाह डिस्काउंट दे रहे हैं। इंशाल्लाह, ठीक हो गया जी। अच्छा, क्या कहते हैं, अब चलते हैं अगले लैपटॉप की तरफ, और कौन सा दिखाएंगे? उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये है 840G3 HP का 840G3। ठीक हो गया, 8GB 256GB, फिंगरप्रिंट कैमरा सब कुछ इसमें लगा हुआ है, कंडीशन तुम्हारे सामने है, बैक लाइट कीबोर्ड के साथ है, 8GB 256GB में। ये जी आप चेक कर सकते हैं, इसमें दो ऑप्शन है। ठीक है सर हसन भाई, इसमें 8/128+500GB और 8GB 256GB, रेट दोनों का सेम है, दोनों का सेम है। 8/128+500GB के साथ लेना है या 8GB 256GB के साथ लेना है, ये तुम्हारा चॉइस है। ठीक हो गया, ठीक है, और इसके रेट है सिर्फ और सिर्फ 46 i5 6th generation। ठीक हो गया, i5 6th generation में 46 का 8GB 256GB में, बहुत आला जी। अच्छा राउंड भाई, अब चलते हैं अगले लैपटॉप की तरफ, दूसरा कौन सा दिखाएंगे? दूसरा ये है MacBook Pro। इसके अंदर हम रैम वगैरह भी बढ़ा सकते हैं, इसमें बढ़ा सकते हो, ये एयर मिनी बढ़ा सकते हैं, एयर मिनी बढ़ा सकते हैं। ठीक हो, एयर में आप कार्ड लगा सकते हो, रिम नहीं बढ़ा सकते हो। कार्ड मतलब क्या? जो इसका मेमोरी होता है। अच्छा अच्छा, मेमोरी क्या? SSD वो बढ़ा सकते हो और वो नहीं बढ़ा सकते हो। ये है फिर 2014 मॉडल i7 15 इंच, कंडीशन आप दिखा सकते हो, 10x11 है, बिल्कुल जी कहते हैं ना कि कैंचा पीस है, फुल टनाटन माल है, इंशाल्लाह टनाटन माल है जी। जी ठीक हो, बैक से भी आप दिखा सकते हो, बिल्कुल नीट क्लीन मशीन है वाकई, जिसके अंदर वो कहते हैं ना कि खराश वाला। और ये i7 है हसन भाई, 16GB रैम है, 512 SSD है। ठीक हो गया, रेट सुन के आप भी हैरान हो जाओगे। रेट सुनाए ना जल्दी से। 2014 मॉडल i7 16/512 आपको सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल चार्जर के साथ आपको मिलेगा 80,000 का। 80,000 का मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू 95 लाख के प्लस आपको मिलेगा। ठीक हो गया, बहुत आला जी। अब चलते हैं जी अगले की तरफ, यार इसकी कुछ स्पेक्स पर एक दफा चेक करवा दें आप इसको ऑन करके, ताकि हमारे व्यूअर्स को अबाउट का पता चल जाए ना कि हम इनको क्या दिखा रहे हैं। इंटेल कोर i7 16GB रैम, और ये जी 7G इसका क्या कहते हैं स्टोरेज, चेक करते हैं 512GB फ्लैश ड्राइव, फ्लैश इसका ओरिजिनल होता है जी। ठीक हो गया जी, आपने इसकी कीमत बताई थी 80,000 जी। ठीक हो गया जी, ये मशीन आपको दिखाता है 6th generation। ठीक है, जिसका बजट नहीं है मार्केट में, इसका रेट है 35,000 रुपए 35,000 रुपए 8GB 500GB के साथ। मैं आपको कितना का दूंगा?
8 GB 500 GB के साथ सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए का। 25,000 रुपए का। मशीन की कंडीशन तुम्हारे सामने है, फिंगर लॉक है, कैमरा है, सब कुछ इसमें लगा हुआ ओरिजिनल चार्जर के साथ। ठीक हो गया। ये मशीन आपको 6th जनरेशन का आपको मिलेगा। इसमें आपको X250 भी मिलेगा, X240 भी मिलेगा, लेकिन इसमें सिर्फ ऑफर है X260, X270 में ऑफर है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए। 25,000 रुपए। और जो X250 है वो भी उसमें आपको मैं 8 GB और 500 GB के साथ आपको दूंगा 23,000 रुपए। 23,000 रुपए, 2,000 रुपए का फर्क है। 2,000 रुपए। ठीक हो। ये ऑफरिंग चैलेंजिंग है आप। ये ऑफर दे रहे हैं आप हम। ठीक हो गया। अब चलते हैं अगले लैपटॉप की तरफ। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ हसन भाई माइक्रोसॉफ्ट सरफेस। अच्छा, ये बिल गेट्स का अपना बना हुआ ब्रांड है। ठीक हो गया। हम अपने लिए फेवरेट बनाए हुए। जी, ये उसका अपना ब्रांड है। ठीक हो गया। माइक्रोसॉफ्ट सरफेस 8 GB 256 GB डिटेचेबल i5 8th जनरेशन प्रोसेक्स। अच्छा, प्रोसेक्स। प्रोसेक्स। ठीक हो गया यार। ये चेक करें किस तरह से आज ये दस्ती अटैच हो जाता है। वही मैग्नेट है, बैकलाइट के साथ है। मशीन बिल्कुल जबरदस्त साफ सुथरा मशीन है। ठीक हो गया। 8 GB 256 GB में है ये, मैं आपको चेक करा रहा हूँ। यार बड़ी जल्दी ऑन हुआ है वैसे। इसका स्पीड बहुत ज्यादा है असल भाई। 256 GB, 256 GB और प्रॉपर्टी में जाके इंटेल कोर i5 8th जनरेशन 1.7 1.9 8 GB रैम। ठीक हो गया जी सर। तो ये सर कितने में देंगे आप? ये सर आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपए का ओरिजिनल चार्जर के साथ। 60,000। 8th जनरेशन। 8th जनरेशन माइक्रोसॉफ्ट सरफेस 8th जनरेशन। तो वैसे मार्केट में कितने का मिल रहा है ये? मार्केट से अगर आप अपी सेंटर से लोगे तो 70 70 प्लस आपको। ठीक हो गया। अच्छा, आपके पास ये बड़ी बड़ी स्क्रीन पड़ी हुई है, इनके बारे में बताएं। असल भाई मैं आपको एक बात बताऊं, ये iMac है। अच्छा, ठीक है। इसमें सिर्फ मेरे पास जो आया हुआ है साफ सुथरे हालत में भी है, और थोड़ा सा जो कंटेनर में आता है थोड़ा सा स्क्रीन डैमेज नहीं है, ऊपर ग्लास जो है वो थोड़ा सा डैमेज है। ठीक हो गया। ठीक है, इसका ये जगह माइनर सा डैमेज है। ये 2012 मॉडल है, लेट 2012, 8 GB 1 TB के साथ है। ठीक हो गया। ठीक है, और इसका रेट है सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए। 30,000 रुपए। 30,000। वैसे अगर इसकी स्क्रीन पे ये जो क्रैक ना होता फिर ये 55,000 रुपए। 55,000 रुपए एक सिर्फ क्रैक की वजह से। मैं आपको क्रैक चेक करवा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ से नजदीक होके। स्क्रीन बिल्कुल ओके है। ठीक हो गया। ये देखिए ऊपर इसका स्क्रीन के ऊपर ऊपर शीशा लगा हुआ है। अच्छा, ये ग्लास मगर प्रोटेक्टर टाइप का इसका अपना ये लगा हुआ है, इसकी वजह से ये आपको 35,000 रुपए का मिल रहा है। 30,000 रुपए का। इसमें फिर आपको 2013 2015 2017 वो भी आपको मिलेगा। अच्छा, मुझे बताएं कि इसको हम एज ए स्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं अगर सिस्टम ये ऑल इन वन है? अच्छा, ऑल इन वन है। ऑल इन वन है, इसके अंदर डीवीडी कैमरा रैम सब कुछ इसी के अंदर लगा। जस्ट इसको आपने पावर देना है, कीबोर्ड और माउस लगाना है। और फर्स्ट करें कि मैं कोई और सीपीयू के साथ इसको अटैच कर सकता हूँ? नहीं सर, एज ए डिस्प्ले लेना चाहिए इसको, डिस्प्ले नहीं ले सकता। ठीक हो गया। अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये है i7 27 इंच में। ठीक हो गया। इसमें 16 GB रैम है, 512 SSD लगा हुआ है, 4 GB का ग्राफिक कार्ड है। 4 GB का जी। और ये 4K रेजोल्यूशन में है। 4K रेजोल्यूशन। 4K रेजोल्यूशन में है। इसका रेट है सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 रुपए। 1,20,000। वैसे फिर अगर इसी में मैं हसन भाई आपको एक बात और एड कर लूँ, इसी में फिर मेरे पास आया हुआ है i5। ठीक हो गया। वो 16 GB 1 TB के साथ है। ठीक है, 16 1 TB हार्ड के साथ है। ठीक है, फिर उसका रेट बहुत ही कम है, उसका सिर्फ शीशा माइनर सा डैमेज है। जी ठीक है, वो i5 में है, i7 नहीं है, i5 में। वो फिर आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपए। 70,000 रुपए। 70,000। अगर वो माइनर से डॉट ना होता फिर वो भी 1:20 का बन जाता। वो भी 1:20 का। लाख 1:20 का बन जाता। तो वैसे इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? इसका मार्केट वैल्यू है 160 170। अच्छा, ये i7 है जो मैं आपको 70 का बता रहा हूँ, वो i5 है। ठीक हो गया। वो i5 है, ये i7 है। i7 है। ठीक हो गया। फिर इसी में मेरे पास 2015 मॉडल है। 2015 मॉडल है, ये कोर i7 है। इसमें मेरे पास i5 भी है। ठीक है, जो i5 है उसका शीशा माइनस सा डैमेज है। ठीक हो गया। ये i7 है, 8 GB 256 GB में है। जी, इसका रेट है सिर्फ और सिर्फ 2015 90,000 रुपए। 90,000 रुपए। 90,000। ये कितने इंच में? 21 इंच में। ये 21.5 इंच है। 21.5 इंच। 21.5 इंच। ठीक हो गया। और ये 4K रेजोल्यूशन में है, 2015 मॉडल है। ठीक है, वो बिल्कुल नीट क्लीन मशीन है। इसमें भी जो शीशा थोड़ा सा डैमेज है वो रेट आप सुन के हैरान हो जाओगे। वो कितने का देंगे? 50,000 रुपए। 50,000 रुपए। 50,000 रुपए। जबरदस्त हो गया। और मुझे बताएं कि इसके अंदर बैटरी का सिस्टम होता है कि इसको पावर? नहीं, नहीं, इसको पावर देना पड़ेगा। पावर देना पड़ेगा। पावर देना पड़ेगा। ठीक हो गया। HP का न्यू लोगो। न्यू लोगो में। न्यू लोगो। इसमें ये 840G6 है। ठीक हो गया। अगर सेटअप से मैं आपको चेक कराऊं, ये 2021 का मॉडल है। 2021 का मॉडल। 2021 का मॉडल है। विंडो 11 इंस्टॉल्ड है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिंगरप्रिंट, विप्रो प्रोसेसर 8th जनरेशन, 8 GB 256 GB के साथ है। ठीक हो गया। मार्केट का इसका रेट है 75
580 तक इसका रेट है। ठीक है, ठीक हो गया। ये इस तरह मॉडल है जिस तरह सोना होता है जी। अगर यहाँ पे सोने का तोला 50,000 रुपए है तो वो आपको पूरे पाकिस्तान से आपको सोना 50,000 रुपए का तोला मिलेगा। ठीक हो गया। इस रेट में इतना फर्क नहीं होता क्योंकि ये हर बंदे को, ये मार्केट में हर जगह में अवेलेबल है, वो ये हर बंदा इसको ख्वाहिश करता है कि ये मशीन मेरे पास होनी लोगों में एचपी का। ये 840 G6 मॉडल है 70,000 रुपए का। 70,000 रुपए। वैसे मार्केट वैल्यू इसकी क्या होगी? 75 to 80। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं अगले मॉडल की तरफ क्योंकि यहाँ पे काफी मॉडल पड़े हुए हैं और काफी हाई जनरेशन में है। इसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ i5 7th generation। i5 7th generation 640 G3 8 GB 256 GB के साथ आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 48,000 रुपए। 48,000 रुपए में जी यार, बड़ा रीजनेबल प्राइस में दे रहे हैं। और ये क्या कहते हैं, कंडीशन हमारे सामने कंडीशन, ये डेल और एचपी, एक डेल का मॉडल आ रहा है i5 में 3rd generation, तकरीबन उससे मिलती जुलती उसकी शेप है, बड़े खोता सेट टाइप के हैं। 7th generation। ठीक हो गया, ये 7th generation में आप चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा अब चलते हैं जी अगले की तरफ। यार ये वाला कौन सा मॉडल पड़ा, बड़ा अच्छा सा लग रहा है ये वाली जी। ये असन भाई, इसमें 4 GB का ग्राफिक है, 8 GB रैम है, 512 SSD है, 4 GB का NVIDIA dedicated ग्राफिक कार्ड है, i7 6th generation है, HQ प्रोसेसर के साथ। HQ प्रोसेसर। अच्छा जी, ठीक हो। और इसका रेट है सिर्फ और सिर्फ 90,000। क्या है, 1 लाख प्लस है। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊँ, ये डेल का है, 360 टच स्क्रीन में है, 8 GB 256 GB के साथ। ये चेक, ठीक है। 5289 मॉडल है इसका लेटिट्यूड, ये मॉडल आप सर दिखा सकते हो, 5289 i5 7th generation, 8 GB 256 GB का, सिर्फ और सिर्फ 45 में, 360 टच स्क्रीन में जी सर। ठीक हो गया। उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ L390 8 GB 256 GB के साथ 360 टच स्क्रीन। ये देखिए, ये L319 है या 90 है? 90। अच्छा 90 है, ठीक हो गया। मैं 19 कह रहा था। ये L390 योगा, ये मॉडल अगर आप दिखा सकते हो, L390 योगा, योगा में 14 इंच में है, नीट एंड क्लीन मशीन है, ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरा, बैकलाइट में है, लिथियम बैटरी के साथ है, ओरिजिनल सी टाइप चार्जर के साथ आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 70,000। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे और भी काफी पड़े हैं, दिखाते चलते हैं। इसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये Core i7 10th generation जी, बढ़िया। ये जो लोग बोलता है X1 Yuga, ये X13 Yuga है, X13 Yuga। ठीक हो गया। i7 10th generation 16 GB 512 के साथ 360 टच स्क्रीन के साथ, रेट सुन क्या फायदा होगा, रेट बताएं जल्दी से बाप। 1,20,000 रुपए, 1,20,000 में 160 का मार्केट में सेल होता है, 160 का मार्केट इसका रेट चल रहा है, रेट है। वैसे अगर आप कोर i3 11 या 10 जनरेशन बेचते ना, वो भी तकरीबन आपको 90,000 लाख के करीब। ये 10 जनरेशन i7 है, i5 10th generation जी, विंडो 11 इंस्टॉल है, 8 GB 256 GB में, 15.6 स्क्रीन है इसका, 15.6 स्क्रीन है। और ये इसका जी आप चेक कर सकते हैं, सामने सारा कुछ इसका लिखा हुआ है। ये क्या कर रहे हैं जी, रिमूव करने लगे आप? ये रिमूव करने लगे हसन भाई, ये रास का बात होता है, ये वीडियो में हम नहीं बताएंगे यार, ये तो कुछ ना बताए ना इसका। ये हसन भाई, ये इसका स्टिकर लगा हुआ है सेलरान। अच्छा, ये कस्टम की वजह से इसके कस्टम फिर कम पड़ता है, इस पे जो है सेलरान का स्टिकर लगा हुआ। अच्छा, बीच में आप जी बताते हैं कि छोटे छोटे लैपटॉप है और बीच में बड़े बड़े खजाने लेके आते हैं, ये जी ये सारा कमाल इसका होता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसका क्या रेट बताया आपने? ये सर अब i5 10th generation 8 GB 256 GB में आपको मिलेगा 75 का 10 जनरेशन और i5 में, ये बहुत सब चेक कर लो जी, भी आपको चेक करवाते हैं। इंटेल कोर i5 10th generation 8 GB 256 GB, बहुत ज्यादा जी। ठीक हो गया। अच्छा यार, ये डब्बा क्या पड़ा हुआ पीछे, ये मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ सर। ये बॉक्स में कोई लैपटॉप है कि वैसे ही बॉक्स रखा? ये भी लैपटॉप है। अच्छा, डेल i5 10th generation। ये कौन सा है? डेल i5 10th generation। डेल i5 और इसका मॉडल है 5410। सीधा करके दिखाइएगा मुझे बैक साइड से, ये आप चेक कर सकते हैं। चेक कर लो। और यार बहुत ही जबरदस्त है यार, फुल कहते हैं ना कि
कैंचा पीस, कोई एक खराश तक इसके ऊपर आपको नजर नहीं आएगी। विंडो 11 स्क्रीन चेक करें या कितनी, 16GB 256GB के साथ, 16 256। और ये टच में आता है? टच नहीं है, टच के बगैर। वैसे मुझे महसूस हो रहा है कि इसका टच है, क्योंकि इसकी डिस्प्ले टच की बड़ी प्यारी होती है। बिल्कुल 1080 Intel Iris कर्ड के साथ। ये कितने का मिलेगा सर? ये सर आपको मिलेगा 90 का 16256 के साथ। 16256 के साथ यार, 16GB RAM जी यार, इतने हैवी लैपटॉप आपने रखे हुए हैं, बंदे के पैसे दिल करता है कि हमने एक से बढ़ के कोई ना कोई ले ही लें आपसे। और इसके बाद ये मैं आपको दिखाऊं 11th जनरेशन। 11th जनरेशन में ये कौन सी कोर में? ये Core i5 11th जनरेशन ठीक है। ये आप चेक करेंगे भी ऑन कैमरे स्पेक्स और आपको चेक करवाते हैं। ये फिंगरप्रिंट है, कैमरा है, सब कुछ इसमें लगा हुआ। ये भी 8GB 256GB है, ठीक हो गया। ये ओपन करता है 256GB, विंडो 11 इंस्टॉल्ड है, ठीक है। और प्रॉपर्टी आपको शुरू कराता है 11th Gen Core i5 2.4 8GB RAM, ठीक है। i5 में जी 11th जनरेशन। 11th जनरेशन अच्छा, मुझे बताइए ब्रांड भाई, इसके अंदर हम को डबल वो लगा सकते हैं कोई SSD वगैरह? इसमें सिंगल NVMe लगेगा, सिंगल लगेगा, चाहे वो 1TB की लगा लें, चाहे वो 256 लगा लें, लगा सकते हैं वो, हम डिपेंड करता है। अगर मैं 1TB के इसके अंदर लगाता हूँ तो वो कितने की हमें मिलेगी? 1TB NVMe जो है हसन भाई का मिलेगा, कोई सस्ता बता देना यार, मेहरबानी करना। 14, 14.5, 13 स्किप करो, हमारे लिए 256 ही बहुत है। पहले माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस बुक 3, ठीक हो, लैपटॉप सर्फेस बुक 3 i5 10th जनरेशन 8GB 256GB। यार ये i5 में 10th जनरेशन है? ये 10th जनरेशन है, 4K रेजोल्यूशन के साथ है। मतलब ये रैक आपका मुकम्मल जितने भी है इसके अंदर 10th जनरेशन को 8th जनरेशन इस तरह के लैपटॉप, बैटरी लो है। ये मैं अभी आपको इसका प्रॉपर्टी चेक करा रहा हूँ, प्रॉपर्टीज की चेक करते हैं। बैटरी लो है यार, डिटैचेबल है ये वाले भी? ये डिटैच नहीं है, टच स्क्रीन है, लेकिन इसकी बैटरी अभी फिलहाल चार्ज नहीं है। इसके जब बैटरी चार्ज कम होगा तो फिर ये वो मसला, ठीक होगा। अच्छा, ये इसकी क्या कीमत है? इसकी कीमत है 1,05,000 रुपए। 1,05,000 मार्केट वैल्यू इसकी क्या होगा? मार्केट इसका होल सेल प्राइस मैं आपको बता दूं, एक पीस का नहीं, होल सेल जो क्वांटिटी लेगा इसका रेट है 1,50। 1,50 होल सेल में? होल सेल में, अल्लाह माफ करे, इतने महंगे आता है, आपका जो डिमांड है वो खत्म कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी क्या खजाना निकलने लगा है, ये देखें सन भाई दिखाओ। अरे तो बिल्कुल अपने पिन पैक कुछ चीज, पिन पैक है इसके साथ, ये बैग है, ओरिजिनल थिंक पैड का लेना वो। अच्छा, ओरिजिनल बैग है ये, ओरिजिनल बैग है इसका, ठीक हो गया। ये इसका चार्जर है, ठीक हो गया जी। ये जी पिन पैक लैपटॉप भी आने लग गए जी, ये देखिए। पहले हम लाड में इस्तेमाल रशुदा लेते थे, लेकिन अब बिल्कुल ब्रांड न्यू, ये देखिए, बहुत अलग है। ये लिनोवो में है, ये लिनोवो में है, i5 12th जनरेशन, i5 12th जनरेशन। माशाल्लाह यार, इसकी बॉडी चेक करें, फाइबर टाइप की है, बड़ी जबरदस्त, ये देखिए, वाह। मतलब अभी तक इसके ऊपर से कोई चीज रिमूव भी नहीं, कोई चीज रिमूव नहीं हुआ, और ये कैमरे का स्टिकर तक ऊपर लगा हुआ है। ये 8GB 512 के साथ है, 8GB 512 के साथ, i5 12th जनरेशन। और इसके अंदर ये जो मतलब बिल्ट इन सामान सारा कुछ इसका ओरिजिनल लगा, सब कुछ इसका ओरिजिनल लगा हुआ है, ठीक है। ये देखो, कोई सेल को अगर पेज लगाओ तो उसका भी वारंटी, विंडो 11 चेक करवाइएगा थोड़ी। ये मैं अभी आपको चेक कर, ये 512 इसमें SSD लगा हुआ है, ठीक हो गया। और ये तीन उन्होंने ड्राइवें बनाई हुई हैं जी, 12th जनरेशन, Core i5, 8GB और 512GB, ठीक हो गया। इमरान भी आपने सारे स्पेक्स वगैरह इसके बता दिए, माशाल्लाह जबरदस्त मशीन है। इसकी कीमत क्या देंगे आप हमें? ये असन भाई इसका रेट है, चैलेंजिंग रेट है, क्या रेट होगा? ठीक है, इसका रेट है 1,30,000, ठीक है। और इसका अगर मार्केट में आप रेट लेने के लिए जाओगे तो 1,80,000 रुपये का है। ये मैंने यहाँ पे रेट से निकाला हुआ है, ठीक है, जिसपे सारा सब कुछ जो इस पे लगे हुए वही चीज इस पे भी लगे हुए। ये जब चेक कर सकते हैं, लैपटॉप है 12th जनरेशन है, यही मॉडल है, ये आपके सामने यहाँ पे सारा कुछ इसकी डिस्प्ले वगैरह दी हुई है, ये वाला मॉडल है। और कीमत ये जी 8GB RAM, ये भी 8GB में, 8GB में है सर, 8GB में, 512 में जी, SSD में है। और यहाँ पे जी 1,78,500 रुपए कीमत, और आप कितने का दे रहे हैं? 1,30,000, 1,30,000 का, 1,78,000, और लैपटॉप आपको 1,30,000 में मिल रहा है यहाँ पे, बिल्कुल फ्रेश डब्बा 1.0 मीटर
फ्रेश है जी, ये इसका बॉक्स पड़ा हुआ और साथ में जी ये आपको मिल रहा है इसका क्या कहते हैं बैग भी मिल गया ओरिजिनल कंपनी की तरफ से, जो बैग वगैरह ओरिजिनल चार्जर भी आपको ओरिजिनल चार्जर के साथ कंपनी की तरफ से ठीक हो गया। ठीक हो गया इमरान भाई, इसके बाद कोई लैपटॉप दिखाएंगे यार आपसे और या फिर अपने व्यूवर से ज्यादा चाहे? यार अभी तो मेरे ख्याल में इतने काफी है, दिखाने पे तो चला जाए तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल जी, लैपटॉप डेल में, एचपी में, लिनोवो में, आईमैक में, जिस किस्म के लैपटॉप आपको चाहिए, जिस किस्म के आईमैक आपको चाहिए, यहाँ से पिंडी से फैसलाबाद से आपको इंशाल्लाह मिलेगा। ठीक हो गया खान लैपटॉप। अच्छा मुझे ये बताएं इमरान भी लास्ट में अपना दोबारा एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर बताएं फिर आपसे अपने व्यूअर से ज्यादा चाहते हैं। लाहौर बिडन रोड हार्डवेयर मार्केट गली नंबर 16 हनीफ प्लाजा, हनी नहीं हनीफ, HANEEF हनीफ प्लाजा सेकेंड फ्लोर खान लैपटॉप हाउस, एक पूरा एतिमाद इदारा है। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह, आप जरूर एक दफा यहाँ पे आए विजिट करें, अगर किसी ने कुछ चीज परचेज करनी है वैसे विजिट करना चाहते हैं, कोई मालूमात वगैरह चाहिए तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर आपको जो स्क्रीन पे हम दे देंगे। इमरान भाई बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी आपने अपने कीमती टाइम दिया। बड़े जबरदस्त किस्म के यार, जिस तरह की ये मशीन लेके आए, इस तरह की यार कुछ नई नई मशीनें लेके आया करें इंशाल्लाह, ताकि हमारे व्यूवर्स का फायदा हो और कुछ ऑफर वगैरह भी जरूर दिया करें यार, कुछ ना कुछ ऑफर वगैरह जरूर। हसन भाई हर वीडियो में इंशाल्लाह हमारा एक ऑफर होगा, इस चीज से आप मुतमईन हैं इंशाल्लाह जी। यार मैं सबसे ज्यादा खुश इस चीज पे हूँ कि आप देख सकते हैं ऑनलाइन जो रेट था और यहाँ पे भी आपके सामने रेट है, 178,500 वाली जो चीज हमें मिल रही है 130,000 में यहाँ पे, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दुआ में याद रखें जी। इमरान भाई अल्लाह हाफिज सर।